हेलो स्टूडेंट्स लेट्स सी द क्वेश्चन एसरसन व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड और थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सेम हाइट इट वुड रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन डज नॉट अफेक्ट द टाइम ऑफ फ्लाइट अब इसमें क्या कहा गया है की कोई बिल्डिंग है यहाँ से एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है लेट्स से यू एंड सेकेंड बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप किया जाता है यू इक्वल टू जीरो अब वो कह रहा है कि जब वे ग्राउंड पर पहुँचेंगे तो उनको टाइम में क्या रिलेशन रहेगा तो देखो यहाँ पर देखेंगे तो इस बॉडी को मैं मान लेता हूँ बॉडी वन एंड इस बॉडी को मैं मान लेता हूँ बॉडी सेकेंड तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों बॉडीज़ के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो यानी कि वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट कितना हो जाएगा जीरो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊँ एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो हाइट ऑफ बिल्डिंग एच है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा एच इक्वल टू वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट कितना हो जाएगा जीरो प्लस हाफ ए की वैल्यू माइनस के जी एंड ये हो जाएगा माइनस के एच कि वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है इन टू टी स्क्वायर तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा रूट ऑफ टू एच वाई जी तो दोनों बॉडीज़ के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट किस किस पर डिपेंड कर रहा है ओनली जी एंड एच पर एच दोनों के लिए सेम है एंड जी भी सेम रहेगा तो दोनों सेम टाइम पर हिट करेंगी ग्राउंड को तो ऐसर से निच करेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन डज नॉट अफेक्ट द टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम चीज़ है कि अगर इस डायरेक्शन में थ्रो करते हैं या इस डायरेक्शन में थ्रो करते हैं या इस डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो इसके लिए कंडीशन में देखेंगे तो सभी जो बॉडी जाएंगी जो जम ग्राउंड पर हिट करेंगी वो सेम टाइम पर ही हिट करेंगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट अफेक्ट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट करोगे तो सेम टाइम ऑफ फ्लैट आएगी तो रीजन एसेसन को एक्सप्लेन करता है तो आंसर ए इज योर करेक्ट आंसर आई होप यू गॉट द आंसर थैंक यू